नंबर वन पिज्जा डो रेसिपी इन द हाई सॉफ्ट एंड वेरी इजी टू मेक, लेट्स गो। सबसे पहले यीस्ट को एक्टिवेट करना है, वो मैं करती हूँ गर्म पानी, यीस्ट और शुगर को मिक्स करके। 15 टू 20 मिनट्स रखने के बाद जब ये सही फूल जाएगी आपने इसको तब यूज करना है। तब तक के लिए अलग बोल में आप लोग यूज करोगे फ्रेश सिफ्ट ऑल पर्पज फ्लावर, उसमें जाएगा सॉल्ट और ऑयल। सारी मेजरमेंट्स कैप्शन में होंगी, फॉलो एग्जैक्टली करना। और ये जो डो वेस्ट है यू कैन फाइंड इट इन माय दराज हाइलाइट्स। ये बोल छोटा था इसलिए मैंने इसको बड़े वाले में शिफ्ट कर दिया और अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने इसके बाद कोई एक्स्ट्रा पानी, कोई एक्स्ट्रा शुगर, कोई एक्स्ट्रा फ्लावर ऐड नहीं करना। जैसी है, स्टिकी है, ड्राई है, जो मर्जी आपने, प्लीज इसको बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करना है और इसके ऊपर ऑयल लगाना है, कवर करना है और राइज होने के लिए रख दो। मैं इसको टेरेस पे धूप में राइज करती हूँ अच्छे से कवर करके, तकरीबन 1 to 2 hours में राइज हो जाती है, आपने डबल करना है। होममेड पिज्जा सॉस, चिकन मैरिनेशन, सारी रेसिपीज आर कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड, सेव इट एंड मेक इट। बाय बाय। जूसी एंड मजेदार पिज्जा चिकन मैरिनेशन, लेट्स मेक इट। आपने बोनलेस चिकन को विनेगर और सॉल्ट में डिप करके रखना है, फिर धो के आप डालोगे सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, अनियन पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़ी बहुत सॉसेस। फिर इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, लेकिन बी केयरफुल, इसको बहुत ज्यादा ऐड ना कर देना। इस सारे मिक्सर को आपने अच्छे से मिक्स करना है एंड इट्स रेडी, सेव इट एंड मेक इट। बाय बाय। अब से होममेड पिज्जा सॉस बनाना शुरू कर दो, इट्स सो इजी। टोमेटोज, ग्रीन चिलीज, सॉल्ट एंड पेपर, ऑयल और मिक्स्ड हर्ब्स। आपने टोमेटोज को ऊपर से कट करके चार ग्रिल करना है और स्किन को रिमूव करके पेस्ट बना देना है। फिर पैन में डालो सारी चीजें, उनको अच्छे से कुक करो, एक अच्छी थिक कंसिस्टेंसी के बाद रेडी हो जाएगा, सेव इट एंड मेक इट। बाय बाय।